ओम शांति। स्वच्छ भारत अभियान बहुत सुंदर है। बाहरी सफाई तो सभी कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन अपने अंतर मन को, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना, ये भी इसी अभियान का एक हिस्सा होना चाहिए। जब मनुष्य का अंतर चित्त शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, तो बाहरी स्वच्छता उसे बहुत आकर्षित करेगी और वो कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएगा, बल्कि गंदगी को साफ करेगा। तो हम सभी भाई ये स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी ध्यान दें। हमने अपने मन में, अपनी बुद्धि में क्या क्या भर लिया है? क्यों हमारे चित्त को चैन नहीं मिल रही है? क्या कारण है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? इन सभी का कारण बुद्धि में भरी हुई गंदगी है। क्लीन योर माइंड, क्लीन योर इंटेलेक्ट। ध्यान दें, यदि किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष भर ली है, यदि किसी के लिए नफरत भरी हुई है, यदि किसी के लिए बदले की भावना भरी हुई है, यदि किसी के लिए वैर भाव भरा हुआ है, तो हमारा मन भटकता ही रहेगा। किसके लिए अशुभ भावनाएं, दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, किसी के धन पे नजर है, किसी की संपत्ति पर नजर है, किसी के हिस्से पर नजर है, तो हम सुखी नहीं हो सकते। याद रखना है, दूसरों का हिस्सा खाकर कभी कोई मनुष्य सुखी नहीं हुआ। कई लोग दूसरों का हिस्सा लेने के लिए कई बड़े बड़े अनर्थ कर बैठते हैं और फिर उनके साथ भी वही होता है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। कर्म गति यही है। इसलिए हम अपने चित्त को साफ करें ताकि हमारी बुद्धि में स्वयं भगवान का वास हो, ताकि हमारी बुद्धि में ज्ञान रतन समा सकें। हम रोज सुन रहे हैं कि पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान का खजाना समाता है। संपूर्ण ईश्वरीय खजाने हमारी पवित्र बुद्धि में ही ठहरते हैं। यदि बुद्धि का बर्तन स्वच्छ नहीं है तो हम कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जरा चेक कर लें ध्यान से, हमने अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया है, तब इसमें हम सर्व खजाने भर सकेंगे। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, दुआओं का खजाना, शुभ भावनाओं का खजाना, ये सब हमारे बहुत सुंदर खजाने हैं। और एक और बहुत अच्छा खजाना है, महान विचारों का खजाना, जो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, संतुष्टता का खजाना। ये सब हमें अपने अंदर समाने हैं। तो बुद्धि को स्वच्छ करके अपने वर्तन को योग युक्त होकर पावरफुल बनाएं, ताकि सारे खजाने उसमें ठहर सके। कभी ये भी हो सकता है कि खजाने उसमें आए लेकिन बहुत जल्दी बहकर समाप्त हो गए, खुशी आई और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। तो हमें बुद्धि की सफाई का अभियान भी प्रारंभ करना है। खजानों से भरपूर करें अपनी बुद्धि को और योगयुक्त होकर इस बुद्धि रूपी बर्तन को बहुत डिवाइन भी बनाएं। देखिए, हम सब जानते हैं योगी सभी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि योग का मार्ग ऐसा है उसमें लगातार मनुष्य को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी बाधाएं योग के मार्ग पर आती रहती हैं। अगर उनको हम दूर करना नहीं सीखेंगे तो योग का मार्ग रुक जाता है। कई सारे व्यर्थ संकल्प, कभी अकेलापन, कभी योग के प्रति भी अरुचि, कभी सवेरे उठने के प्रति अरुचि, ये सब योग के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाएं हैं। इसलिए रोज गाइडलाइन लेते रहें और अपने को एक ऐसे सुंदर मार्ग पर चलाएं कि हम सदा के योगी बन जाएं, हम योग युक्त बन जाएं। तो आज सारा दिन भी बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, बाबा को देखेंगे ऊपर, पवित्रता का सागर, और मैं हूँ पवित्रता का सूर्य, दोनों जुड़ गए। उनकी पवित्र किरणें
मुझ में समाने लगी और मेरा तेज बढ़ने लगा। ये पवित्र किरणें सारे संसार में फैलने लगी। घंटे में एक बार इसका अनुभव अवश्य करेंगे। ओम शांति।